हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रिजिड पेमेंट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो भी हमने बात की है, जो भी हमने डिस्कशन किया है, वो प्योरली बेस्ड ऑन थे आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर। बट हम आज बात करने वाले हैं रिजिड पेमेंट के ऊपर। हालांकि हम सभी को कहीं ना कहीं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं एक सिविल इंजीनियर को हटा दूं, अलग कर दूं, सिविल इंजीनियरिंग ही हटा दूं, तो अगर मैं एक नॉर्मल आदमी भी हूं तो मुझे ये पता है कि अगर मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहा हूं तो हम डामर वाली रूट की बात कर रहे हैं, है ना। और जब हम रिजिड पेमेंट की बात करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिजिड एक पढ़े लिखे की मैं बात कर रहा हूं ना, तो हमें समझ में आता है कि हम यहाँ पे सीमेंट कॉन्क्रीट की बात कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बट ये सिर्फ इतने से ही डिफाइन नहीं होता है, इनके कुछ अलग स्पेसिफिकेशन टेक्निकलिटीज होती हैं जो कि इसको अलग करती हैं। हालांकि खैर उस डिफरेंस को तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट आज हम बात करते हैं प्योरली रिजिड पेमेंट के ऊपर। रिजिड पेमेंट वो पेमेंट कहलाती हैं जिनकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या फिर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। आपको याद होगा कि जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बहुत ही ना के बराबर थी, ठीक है। दूसरी चीज, जो रिजिड पेमेंट है वो काहे से मिलके बनता है, आपके पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट से मिलके बनता है। अब वो चाहे तो प्लेन भी हो सकता है, प्लेन कॉन्क्रीट हो सकता है, रेनफोर्स कॉन्क्रीट भी हो सकता है, और प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट भी हो सकता है। यहां पे जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर ट्रांसफर है, वो ग्रेन टू ग्रेन नहीं हो रहा है लोअर लेयर के अंदर, जैसा कि आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता था, लेयर टू लेयर, ग्रेन टू ग्रेन स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब की बात करूं तो वो लगभग लगभग आपकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की मैं बात करूं तो लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 40 ग्राम तक वो टेक ऑफ करती है। बहुत ही बड़ा ये अमाउंट है एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। अगर मैं मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं यहां पे इसके स्ट्रक्चरल बिहेवियर की मतलब रिजिड पेमेंट की एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो वो ये कि यहाँ पे हमारी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस है वो बहुत ही ज्यादा होती है, पहली चीज। और जो यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जो अकर हो रही है वो किसके कारण से हो रही है उस स्लैब में, ड्यू टू व्हील लोड और टेम्परेचर चेंजेस के कारण। वहां पे सिर्फ और सिर्फ व्हील लोड ही था, बट यहाँ पे व्हील लोड तो है ही है स्लैब के अंदर, और दूसरा चीज क्या है आपका, टेम्परेचर के वेरिएशन का। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस थी, वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस थी, यहां पे आपका व्हील लोड और टेम्परेचर का वेरिएशन, ठीक है। हालांकि जो रिजिड पेमेंट है आपका वो बहुत ही कैपेबल होता है उस स्लैब एक्शन के लिए, वो बहुत ही इजिली एक व्हील लोड को या फिर टेम्परेचर वेरिएशन को एक बड़े से वाइडर एरिया में किसी भी टाइप की लोडिंग के अंदर वो अपने आप को विदस्टैंड कर ले जाता है, ठीक है। साथ ही साथ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के साथ साथ जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ है रिजिड पेमेंट का, वो बहुत ही ज्यादा होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा होता है। रिजिड पेमेंट नॉर्मली डिफॉर्म्ड नहीं होता है किसी भी शेप में, ना ही उसके डिफॉर्मेशन से कोई भी वो लोअर लेयर को डिफॉर्म करता है। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता था, अगर वो कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण डिफॉर्म होता था तो उसका डिफॉर्मेशन हमें नीचे तक देखने को मिलता था। तो ये एक बहुत ही एडवांटेज है यहाँ पे। अगर और हम डिफाइन करें तो जैसे कि सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट स्लैब है जो कि बहुत ही अच्छा एक बियरिंग सरफेस सर्व करता है या फिर एक इफेक्टिव बेस कोर्स आपको देता है, जो कि आपके कहीं ना कहीं ग्रैनुलर बेस या फिर सब बेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपका जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन उस सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब में ही आ जाता है, उतना ट्रांसफॉर्म वो नहीं करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली सब ग्रेड के ऊपर भी आप अपनी सीमेंट कॉन्क्रीट की स्लैब डाल सकते हैं, बट अगर सब ग्रेड के अंदर वहां पे फाइन ड्रेन सॉइल है तो वो बहुत ही टिपिकल हो जाता है, फिर वहां पे आप इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हो।
नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि सब ग्रेड के ऊपर आप सीमेंट कंक्रीट की स्लैब डाल दें, बट ऐसा होता नहीं है। आप क्या करते हैं, इसका जो सॉइल सबग्रेड है, ये सॉइल सबग्रेड है, उसके ऊपर आपने ये ऐसा बेस कोर्स है आपका, और उसके ऊपर आप ये इस तरीके से सीमेंट कंक्रीट की स्लैब डाल सकते हैं, है ना। ये कंपोनेंट है आपका रिजिड पेमेंट का। अब ये जो रिजिड पेमेंट है, यूजली डिजाइन किसके बेसिस पे होती है, और या फिर हम इसका स्ट्रेस को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, अगर उसके एनालिसिस के ऊपर बात करें तो प्योरली बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी के ऊपर। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आपकी पेमेंट है वो एक इलास्टिक प्लेट के तरह है, इलास्टिक प्लेट के तरह है जो कि रेस्ट कर रही है आपके इलास्टिक या फिर विस्कस फाउंडेशन के ऊपर। इसलिए जो भी एनालिसिस होती है, स्ट्रेस का कैलकुलेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक इलास्टिक थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। तो ये रही बात रिजिड पेमेंट की। आप आई होप आपको समझ में आया होगा रिजिड पेमेंट। और आगे चल के जब हम डिफरेंस की बात करेंगे, कि एक डिफरेंस की बात करेंगे, तो और चीजें आपको क्लियर होंगी। बट जब कभी भी आप सीमेंट कंक्रीट का यूज देख रहे होंगे पेवमेंट के अंदर, तो उसको आप क्या बोलते हो, रिजिड पेवमेंट बोलते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।